हेलो जी, नमस्ते आप सबको, स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ये फलों का पौधा चीकू, यानी कि सपोटा। हम इसे सपोटा से का नाम से जानते हैं और इसका बहुत सारा नाम है। फ्रेंड्स, ये मेरा लगभग 4 साल पुराना सपोटा का पौधा है। ये हाइब्रिड वाला है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है, अभी फल लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, इसका सपोटा का हार्वेस्टिंग जो होता है वो तीन से चार बार तक होता है, क्योंकि इसका जो फ्रूट है एक ही बार में तैयार नहीं होती है। तो मैंने कुछ इस तरह से लगा के रखा है। यहाँ पे मैंने वाटर पिनी वर्ड का भी छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था, वो ग्रो हो गया है। तो अभी बहुत ही इस तरह से लगा के रखा हूँ। ये मेरा डिस एंटीना था, उसे मैंने हटा दिया, उसी का सपोर्ट लेके मैंने इसको बांध के यहाँ पे लगा के रखा है। तो पानी भी मैं पहले यहाँ तक देती थी, लेकिन अभी बारिश का टाइम है इसलिए मैंने हटा दिया उसे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही एक अच्छा और सुंदर फ्रूट का फल का पौधा अगर आपका गार्डन में है तो बहुत ही चार चांद लग जाता है। और फ्रेंड, बहुत ही देखने में भी एक खूबसूरत लगता है जो फलों के साथ हो, फूल हो, फल हो, तो और क्या चाहिए। तो आप भी इस तरह से सपोटा का हाइब्रिड वाला वैरायटी का रख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पौधे में भी ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड, ये इसका ये जो पत्ता है ज़्यादा गिरता नहीं है, मानिए कि ये इसका दिन में एक या दो पत्ता गिरता है। तो चलिए, इसका सोयल मीडिया के बारे में मैं बात करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बालू मिट्टी में डाल के रखा हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बालू मिट्टी में डाल के रखा है। ये देखिए बालू मिट्टी है। और फ्रेंड्स, जानबूझ के भी मैं इसे कोई केमिकल वाला खाद नहीं देती हूँ, क्योंकि ये इसका फ्रूट जो होता है ना, हम लोग घर में खाते हैं, तो जानबूझ के केमिकल वाला क्यों फर्टिलाइजर दे। तो इसलिए मैं इसमें खाली काऊ डंग देती हूँ, गोबर की खाद देती हूँ, क्योंकि ये जो फ्रूट बनता है वो तो घर में ही हम लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं इसे गोबर की खाद खाली देती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ्रूट आया है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो और आप लोग भी इसे ज़रूर अपना गार्डन में रखिए, लेकिन हाइब्रिड वाला ही रखिए, क्योंकि वो छोटा में ही फल देना स्टार्ट करती है। और इसका फल कैसे, अभी तोड़ना कैसे है, हुआ नहीं हुआ, ये एक तरह का होता है, ठीक है। इसमें एक जो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है तब उसको तोड़ना है। जैसे ये देखिए डार्क है ना, इसको अभी नहीं तोड़ना है, मैं इसको तोड़ने वाला हूँ 15 दिन के बाद, क्योंकि एक एक रेडी नहीं हुआ है, एक एक रेडी हो गया है। जो रेडी हो गया है मैं उसे 15 दिन के बाद में इसका हार्वेस्टिंग करूँगी, ठीक है। तो फिर फ्रेंड, ये सपोटा का और एक है कि अभी ये फ्रूट तो दे रहे हैं, ठीक है, अभी ये फूल भी देना स्टार्ट कर दिया है। फूल क्यों देना, क्योंकि ये अभी दूसरा, जैसे ये फ्रूट हो जाएगा फिर ये फ्रूट दूसरा फ्रूट के लिए, फल के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत उसमें फूल भी लगना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से दूर से दिखाती हूँ मैं आपको कैसे दिखता है मेरा ये वाला फ्रूट का प्लांट। ये देखिए इस तरह का है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए है ना, बहुत अच्छा फूल हो, फल हो, और गार्डन में क्या चाहिए। जब भी आप फूल को देखने जाओ तो फल भी देख लेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी अपना गार्डन में हाइब्रिड वाला फलों का पौधा लगा सकते हैं, तो और उसका फल का मज़ा ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए फ्रेंड, और इसका जो पत्ता रहता है बहुत ग्रीन रहता है और ज़्यादा एक आधी गिरता है, ज़्यादातर सोच लिए मान लीजिए महीने में एक दो बार गिरता है। तो देखिए फ्रेंड, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि इसमें फूल भी लगना शुरू हो गया है, तो मैं वो फूल भी आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि ये अभी ये फ्रूट तो बन चुका है, लेकिन दूसरा साल के लिए ये रेडी करने के। ये देखिए इनमें से फूल भी लगना शुरू हो गए, कुछ रुद्राक्ष का फूल देखा है आपने, उसी तरह का फूल ये देते हैं, इस तरह का देखिए रुद्राक्ष का फूल जो खिलता है उस तरह का। ये फल जो है, ये सभी फूल तो फल नहीं देगा, जो भी हेल्दी है वही उसमें टिका रहेगा और फल बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और इसे केमिकल वाला कभी भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि घर में खाने वाला है इसलिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग का एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कमेंट दिल को बहुत ही हिम्मत देती है। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।